नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त रंजीत कौर, जो एक बार फिर से हाजिर हो चुकी है यस टीवी के साथ। जी हां दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं प्रोग्राम नई उमंग के साथ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम बातें करते हैं अपनी डेली लाइफ से जुड़ी हुई, तो चलिए अपनी डेली लाइफ से जुड़ी हुई बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि हमारी विशेज जो होती है ना, हमारी इच्छाएं होती है ना, उनके ऊपर ही हम आज बात करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं कि इच्छाओं के बारे में। यू नो व्हाट, हमारी इच्छाएं जो है ना, वो कभी भी खत्म नहीं होती हैं। अभी इच्छाएं खत्म नहीं होगी तो हमारी जरूरतें भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। हम मतलब इच्छाओं को ना जरूरतों के साथ जोड़ सकते हैं। लाइक आपको किसी चीज के पाने की बहुत ज्यादा इच्छा है, आप काफी टाइम से प्रयास भी कर रहे हैं कि काश कि वो चीज मिल जाए, लेकिन कोई चीज पाने के लिए आपको कितना ज्यादा काम करना पड़ता है, कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अभी जो मेहनत करता है वो तो अपनी इच्छाओं को पूरा कर लेता है, अपनी जरूरतों को पूरा कर लेता है, लेकिन जो बिना कुछ काम किए अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कहते हैं, तो भाई उनके लिए तो वो कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन आपको एक बात बता दो, जो हमारी विशेज होती है ना, जो हमारी इच्छाएं होती है ना, ये एक पानी के बुलबुले की तरह होती है। अभी पानी के बुलबुला जो है वो कितनी देर ठहरता है ना, कितनी देर ठहरता है, थोड़ी सी देर में ठहरता ना, ऐसे ही हमारी इच्छाएं होती है। इच्छाओं को अगर बुलबुले के साथ में कन्वर्ट करो तो आप सोच सकते हैं कि हमारी एक इच्छा हम अगर पूरी करते हैं तो हमारी हजारों इच्छाएं हमारे सामने आ जाती हैं। अभी जो इच्छाएं आपको अच्छी जगह लेके जाने वाली हो उनके लिए तो आपको मेहनत करनी चाहिए, लेकिन जो इच्छाएं आपको सही रास्ता ना गाइड करे, मुझे नहीं लगता कि ऐसे इच्छाओं के पीछे आपको भागना चाहिए, है ना। तो मेरी सिंपल सी बात आपको यही कहनी थी कि भाई आपको लगता है कि आपकी बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं, आप चाहते हैं आप बहुत अमीर बन जाएं, आप चाहते हैं कि आपके पास अच्छी अच्छी गाड़ी हो, आप चाहते हैं कि भाई मैं आराम से बैठ कर खाना खाऊं, कोई मुझे आराम से बना कर खाना खिलाए, तो भाई जो ना आपको एक बात बता देती हूँ कि ये इच्छाएं जो होती है ना, इच्छाओं को जरूर पूरा कीजिए, लेकिन उसके लिए साथ ही साथ आपको मेहनत भी करनी बहुत जरूरी है। तो बिना मेहनत के आप किसी भी चीज को नहीं पा सकते हैं। और हाँ, अगर आपको कोई अच्छी चीजें पाने की चाह है, कुछ अच्छा बनने की चाह है, तभी आप इच्छाओं के पीछे भागिए। अगर आप सोच रहे हैं कि गलत रास्ते जाने की आपकी इच्छाएं हैं, तो भाई उन गलत रास्तों को दूर से ही सलाम कर दीजिए, क्योंकि गलत रास्तों पर जाकर उसका जो अंजाम है वो गलत ही मिलता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने भी आपको यही बताने की कोशिश की है कि कभी भी आप सही रास्ते की तरफ जा रहे हैं तो इच्छाएं ज्यादा लेकर चलें, और गलत रास्ते की तरफ जा रहे हैं तो दूर से ही सलाम कर दीजिए, है ना। अभी मैं भी आपको सलाम कर देती हूँ क्योंकि वक्त हो चुका है आपसे इजाजत लेने का। मैं चलती हूँ, आप देखते रहिए यस टीवी। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो फटाफट से लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट एपिसोड में ढेर सारी बातों के साथ। देखते रहिए नई उमंग। बाय बाय।